नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और स्वागत है आपका घंटी बजाओ के इस खास हिस्से में, जहां हम बात कर रहे हैं मुंबई की। ठाकरे परिवार के हाथों में रहेगी शिवसेना या असली शिवसेना पर किसी और का कब्जा हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में बागी शिवसेना के वकील और ठाकरे शिवसेना के वकील इसी मुद्दे पर आमने सामने हैं। तर्क रखे जा रहे हैं, तथ्य बताए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो सत्ता के गलियारों से ज्यादा सड़कों पर दिखाई दे रही है। कहीं शिंदे के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कहीं उद्धव के पुतले बनाकर बदसलूकी की जा रही है। महाराष्ट्र में जो कुछ आज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये किसी और राज्य या खुद भारत के इतिहास में पहले नहीं हुआ। परिवारवादी पार्टियों के साथ ऐसा कई बार हुआ है और इसीलिए ये विश्लेषण आपको देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पार्टियां परिवारों के कब्जे से निकली भी और परिवारों के कब्जे में लौटी भी हैं। महाराष्ट्र में क्या हो सकता है, देखिए एबीपी न्यूज की ये पॉलिटिकल एनालिसिस। आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए, मटर राष्ट्र चाहिए? कोणाची परवानगी घ्यायची? हे हिंदूच राष्ट्र आहे। हिंदुस्थानात हिंदू राष्ट्र नसेल तर काय पाकिस्तानात? जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, हे जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मृद आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला। समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी, तुम्ही कारभार करायला नालायक आहे आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है। राज्य की सरकार और पार्टी के भीतर की जंग अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुकी है। शिवसेना का सबसे बड़ा धड़ा खुद को असली शिवसेना बता रहा है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का परिवार अपनी शिवसेना को असली बता रहा है। परिवार के नाम पर चलने वाली पार्टी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पार्टी की नीति और सिद्धांतों के चलते परिवार के हाथ से निकल गई हो। विरासत की लड़ाई में असली दावेदार कई बार पिछड़ चुके हैं और परिवार के बाहर के उम्मीदवारों से मात खा चुके हैं। लेकिन क्या शिवसेना में ऐसा हो सकता है, इसको जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाने की जरूरत है। शिवसेना में उद्धव से ज्यादा उद्धव ठाकरे के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा बोलता है तो वो है संजय राउत। और यही वजह है कि शिंदे गुट कहता है कि सरकार में मुख्यमंत्री अजीत पवार बन गए थे तो पार्टी प्रमुख की भूमिका संजय राउत ने ले ली थी। उद्धव के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। संजय राउत ने पार्टी की विरासत को लेकर जिस तरह बाप शब्द का इस्तेमाल किया, वो दोनों तरफ के शिव सैनिकों को नागवार गुजरा। कि अपने बाप के नाम से वोट मांगो, बालासाहेब ठाकरे के नाम से वोट मांगने की आपको जरूरत नहीं, हो हमारे बाप है पार्टी के, आप अपने नाम से वोट मांगो ना, हिम्मत है तो। मतलब साफ है, शिवसेना में बंटवारे की लड़ाई विरासत की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। और ऐसा पहले भी हो चुका है, जब 2005 में उद्धव के चचेरे भाई ने पार्टी में अपनी हैसियत कम होने को लेकर विद्रोह कर दिया था। उन्होंने परिवार के नाम पर पार्टी में दावेदारी तो नहीं की, लेकिन आखिर में उन्हें अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी और अलग भी होना पड़ा। जैसे अच्छे लोगों को परिवारवादी पार्टी में अच्छी पोजीशन नहीं मिलती, उनको बढ़ावा नहीं मिलता, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली में भी कोई अगर आदमी अच्छा काम करता है तो उसको भी परिवार में ही उसको हमेशा अपोजिशन हो सकता है। राज ठाकरे के बारे में वैसे कुछ बात हो गई और वो फिर आगे निकल गए, और मेरे ख्याल से जो टैलेंट मिलने का उसका फायदा शिवसेना जो ज़्यादा होता है। समझे, महाराष्ट्र में जो कुछ आज हो रहा है वो कांग्रेस के साथ 53 साल पहले हो चुका है, तमिलनाडु में 35 साल पहले, आंध्र प्रदेश में 27 साल पहले, पंजाब में 11 साल, तो उत्तर प्रदेश में 6 साल पहले। परिवारवादी पार्टियों में वंशवाद की परीक्षा में उत्तराधिकारी कभी पास हुए हैं तो कभी फेल। शिवसेना के साथ क्या हो रहा है, इस पर सभी की नजरें बरकरार हैं। परिवारवाद की परीक्षा, साल 1969, कांग्रेस का पहला बंटवारा। इंदिरा की बढ़ती ताकत ने सिंडिकेट को पस्त कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि 12 नवंबर 1969 को इंदिरा को कांग्रेस से निकाल दिया गया।
कांग्रेस को इस बात का ऐलान करते हुए बहुत अफसोस है कि श्रीमती गांधी को उनके पार्टी विरोधी काम करने की वजह से प्राइमरी मेंबरशिप से निकाला जा रहा है। इसके साथ ही उनकी पार्टी की सदस्यता को खत्म किया जाता है। 1969 में जिस कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को निकाला था, अगले साल तक राजनीतिक परिदृश्य से वो कांग्रेस ही बाहर हो गई, जबकि आगे चलकर इंदिरा गांधी की कांग्रेस ही असली कांग्रेस मानी गई। दिसंबर 1987 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की मृत्यु हो गई। एमजी रामचंद्रन की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए तमिलनाडु की राजनीति में दो महिलाएं आमने सामने आ गईं। पहली महिला थी एमजी रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन और दूसरी महिला थी एमजी रामचंद्रन की करीबी जयललिता। एमजी रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन ने पहले राजनीतिक दल और सरकार पर अपना दावा ठोक दिया, लेकिन वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल सकी और 24 दिन के भीतर ही वो सरकार हट गई, जिसके बाद जयललिता ने कमान संभाली और राजनीतिक दल और सरकार पर कब्जा किया। ये देश में पहली घटना थी जहां पर राजनीतिक विरासत को परिवार से बाहर निकाला गया। और अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के सामने भी कुछ वैसी ही चुनौती है कि वो कैसे शिवसेना को ठाकरे परिवार की विरासत से बाहर निकालते हैं। जो आपने कंपैरिजन किया तमिलनाडु, वैसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद जानते हैं कि वो जो आज जो भी कुछ है वो शिवसेना के बदौलत है और शिवसेना के बालासाहेब ठाकरे हो या ठाकरे फैमिली हो, उनके बारे में उनके मन में पहले दिन तो कुछ कटुता नहीं थी, लेकिन वो कटुता बढ़ती गई। अभी उसका एनालिसिस शिवसेना को करना चाहिए कि ये सब इतने ये लेवल तक जाएगा, ये उनको सोचना चाहिए था। और अब ऐसी बात हो गई है कि अब पीछे अभी आ नहीं सकते और जो शिवसेना का जो गुड़विल था इतने सालों का, वो भी आज थोड़ा सा दांव पे लग गया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की कहानी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की कहानी से काफी मिलती जुलती नजर आती है। 1995 में एनटी रामाराव ने अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने की मंशा बनाई, जिसका विरोध उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने किया। चंद्रबाबू नायडू ने न सिर्फ एनटीआर को तेलुगुदेशम पार्टी से बेदखल किया, बल्कि एनटी रामाराव को मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। पिछले ही साल बिहार के बड़े दलित नेता, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान की मौत के बाद जिस तरह उनकी विरासत उनके भाई पशुपति पारस ने उनके बेटे चिराग पासवान से छीन ली, ऐसी बानगी भी देश की राजनीति में दिखाई दी। चिराग पासवान आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन न तो उनकी जगह पार्टी में है और न ही एनडीए सरकार में। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे भी कुछ इसी तर्ज पर राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ठाकरे परिवार की विरासत छीनने की कोशिश है। देश की राजनीति में परिवारवादी पार्टियों में सत्ता संघर्ष के हर तरह के उदाहरण मौजूद हैं। शिवसेना की विरासत की लड़ाई अभी अदालत में है और ये तय होने में अभी वक्त लगने वाला है कि इसमें असली कौन है और नकली कौन। अंग्रेजी लगे हैं।
वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।